जी रहे हैं रोज कपड़े बदल बदल कर, एक दिन एक ही कपड़े में ले जाएंगे लोग कंधे बदल कर। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज रात आपका निजू क्लासेज के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे 23 फरवरी का करंट अफेयर और 23 फरवरी की शुरुआत करेंगे हरियाणा से। हरियाणा में योजना चलाई है आपकी बेटी हमारी बेटी, ये वो वाली योजना नहीं है भाई, आपकी बेटी मतलब हमें दे दो शादी कर दो तो हमारी होगी, ऐसा नहीं है। आपकी बेटी हमारी बेटी ये हरियाणा सरकार ने योजना चलाई है। LIC के साथ समझौता करेंगे, LIC करवाएंगे। क्या होगा कि जो SC या BPL वर्ग है कि पहली लड़की के जन्म पर ठीक है, SC और BPL की पहली लड़की के जन्म पर और अन्य वर्ग की दूसरी व तीसरी लड़की के जन्म पर, ठीक है भाई। यानी कि SC और BPL की तो होगी पहली बच्ची और किसी दूसरे वर्ग की दूसरी होगी या तीसरी होगी, क्या होगा, 21,000 रुपये मिलेंगे, 21,000 रुपये मिलेंगे। और ये जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी, 18 वर्ष की होने पर ब्याज समेत ये राशि मिलेगी, ठीक है भाई। क्या होगा कि जब SC या BPL की पहली लड़की के जन्म पर या अन्य वर्ग की दूसरी या तीसरी लड़की का जन्म होगा तो 21,000 रुपये सरकार क्या करेगी, जमा कर देगी और 18 वर्ष की होने पर ब्याज समेत ये राशि दे दी जाएगी। और ये जो सरल हरियाणा पोर्टल इस पर रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो आपकी बेटी हमारी बेटी ये हरियाणा सरकार ने योजना शुरू की है जिसमें 21,000 रुपये SC वर्ग की या BPL की पहली लड़की के जन्म पर और अन्य वर्ग की दूसरी या तीसरी लड़की के जन्म पर 21,000 रुपये जमा कर दिए जाएंगे और वो 18 वर्ष की होने पर ब्याज समेत मिलेंगे, ठीक है। तो ये सरल हरियाणा पोर्टल पे आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं NBA मान्यता प्राप्त, NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय, ठीक है। NBA होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडेशन से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ विश्वविद्यालय भी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो NBA से मान्यता लेने वाला भारत का पहला जो विश्वविद्यालय बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना है, ठीक है। मत्स्य पालन में कार्य की पुष्टि करने वाला देश, भाई मत्स्य पालन का कार्य कर रहा है, पुष्टि करने वाला देश, ठीक है। मत्स्य पालन में कार्य की पुष्टि करने वाला देश कौन सा बना है, केन्या बना है, केन्या, यानी कि केन्या ने, और ये सातवां है ऐसा करने वाला, सातवां देश है ये, ठीक है। यानी कि छह देश पहले मत्स्य पालन की पुष्टि कर चुके हैं, मत्स्य पालन का कार्य हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो मत्स्य पालन में कार्य की पुष्टि करने वाला सातवां देश केन्या बना है। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है भाई, ये MP में हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है ये। छगन भाई पटेल जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है, और शिवराज चौहान CM है MP के, और छगन भाई मंगू भाई पटेल जो हैं वहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में शकुंतला चौधरी का निधन हुआ है, शकुंतला चौधरी का निधन हुआ है, तो ये कौन थी, गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है भाई। तो याद रखना है गांधीवादी सोच की जो सामाजिक कार्यकर्ता थी शकुंतला चौधरी, इसका निधन हो गया। 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है MP में
और मत्स्य पालन में पुष्टि करने वाला सातवां जो देश बना है वो बना है केन्या। ठीक है भाई, दो बार तीन बार मैं बोल देता हूँ ताकि आपको ऐसे सुनने से याद हो जाता है। कई बार क्या होता है, जब कान की, आंखों की और लिखने वाली इंद्रियां हम खोल के बैठते हैं तो चीज़ें हमारे मन में बैठ जाती हैं। विंटर जो ओलंपिक था, विंटर ओलंपिक 2022 जो बीजिंग चाइना में हो रहा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाला जो देश है वो है नॉर्वे भी। नॉर्वे ने जीते हैं 37, ठीक है, 37 जो हैं मेडल नॉर्वे ने जीते हैं। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ, गोल्ड 16 गोल्ड, सिल्वर 8 और 13 ब्रोंज। ठीक है भाई, सोना चांदी और कांसा जीते हैं, 16 गोल्ड हैं, सिल्वर 8 हैं, ब्रोंज है 13। नॉर्वे सबसे ज़्यादा जीतने वाला देश है। उसके बाद जर्मनी है, जर्मनी टोटल 20 जीते हैं जिसमें से 12 गोल्ड हैं। ठीक है, उसके तीसरे नंबर पे फिर चीन है, इसने 15 जीते हैं उसमें से 8 गोल्ड हैं। ठीक है भाई, तो विंटर ओलंपिक 2022 में सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला देश बना है नॉर्वे 37 के साथ में। ठीक है, भारत व ओमान, भारत ने ओमान के साथ मिलकर पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास किया है भाई, वायु अभ्यास शुरू किया है, अभ्यास शुरू किया। ठीक है भाई, भारत ने ओमान के साथ मिलकर पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास शुरू किया है। भारतीय रेलवे द्वारा पहला केबल रेल ब्रिज बना जा रहा है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा पहला केबल ब्रिज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में बना जा रहा है। ठीक है भाई, कहाँ बनाया जा रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में पहला केबल ब्रिज होगा ये, भारत के रेलवे द्वारा ये बनाया जा रहा है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ ये कार्यक्रम शुरू किया है, किसने शुरू किया है, कृषि व किसान मंत्रालय। ठीक है, इसने क्या किया है, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ शुरू किया है। और नरेंद्र तोमर जो है फिलहाल कौन है, मंत्री, इस डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं वो नरेंद्र तोमर हैं। इसको तो सारे याद हो रहा होगा भाई सबको ये, क्योंकि किसान आंदोलन चला था तो बहुत बार मंत्री का जिक्र किया गया था। ठीक है, तो मेरी पॉलिसी मेरा हाथ जो बीमा वगैरह किया जाता है ना, फसल बीमा, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, हिमाचल में पहला जैव विविधता वाला पार्क तो ये कहाँ बनेगा भाई, मंडी में, हिमाचल प्रदेश में जो मंडी है जगह, वहाँ पे जैव विविधता वाला पहला पार्क जो है हिमाचल का बनेगा। नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण। ठीक है, नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश बना है इजराइल। ठीक है, इजराइल ने क्या किया, नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, जो होंडा कार है, होंडा कार के नए अध्यक्ष व सीईओ कौन बने हैं, ताकुया तसुमुरा। ठीक है, होंडा कंपनी की जो कारें आती हैं उसके जो अध्यक्ष और सीईओ बने हैं कंपनी के, ताकुया तसुमुरा। ठीक है भाई,
महिला महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाली किसने लिया है? वी आर वनीता, वी आर वनीता ने, ठीक है भाई। महिला क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया है वी आर वनीता ने। और ऋचा ऋचा घोष, इसने क्या किया है? सबसे कम उम्र में 50 बनाई है भाई पीछे, ठीक है। भारत की खिलाड़ी है ये, इसने भारत की तरफ से सबसे कम उम्र में 50 लगाने का रिकॉर्ड बनाया है वनडे क्रिकेट में, ठीक है। आईओसी एथलीट, जो हमारी ओलंपिक कमेटी है, आयोग, आईओसी एथलीट आयोग के अध्यक्ष पुनः चुने गए हैं दोबारा, तो कौन बनाए गए हैं? एम्पा टेरो। ये आईओसी जो है इंडियन ओलंपिक काउंसिल ना, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल एथलीट आयोग के दोबारा से अध्यक्ष बनाए हैं एम्पा टेरो, ठीक है भाई। और हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए, ठीक है भाई, हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने एक कंपनी से समझौता किया है, वलार्ड पावर सिस्टम से समझौता किया है, ठीक है भाई। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने एक पावर वर्ल्ड पावर सिस्टम से समझौता किया। कंपनी ये कहाँ की है? कनाडा की है भाई। ये क्वेश्चन आएगा कि अडानी समूह ने वलार्ड पावर सिस्टम से समझौता किया है हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए, तो वो कहाँ की कंपनी? तो वो कनाडा की कंपनी है, ठीक है भाई, कनाडा की ये कंपनी है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।